नाको मेरा आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें जो हमारे पास मुसलसल इस कैंप में शरीक है और वो यहाँ पे अपना दिन रात गुजारते हैं। नाको मेहरा हेलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं मयार हूँ मन्ना मयार मच बोले दफीदा को मनी जागे ना पते जाने स्कूल वान जा बूता सो बेसरा स्कूल वन था वो बेगा हा संतरी पची कुता हमें स्कूल था वान होके जागे बूता सलामत जंजाल के लोग इंतजार से रहे किसने वे पुशेन मान ले बूता निजाग साफ सुथरा है जागे गरीब है जागे पंजा शस्ताले भी बेगा हवा निता है पंजा शस्ताले चाय वजह से मर्ची गाता हाथ जाए गूप होंडा जंगलां जालियां गए बां बरहर मनीजा चलावती जंदे से एकला सवार भूता पुष्ट मान दाता छुता आई दे सारी भूता मनीजागर हक तो भी माँ है कि मुझे बंद दे छुता कि माँ पर बता घोड़े दूचाई आई दे वास्ता पता खाई नहीं मनीजागर शमुदा जपता ओ बंद कुता वास्ते मनीजागर जपता बंद कुतगार मनीदा स्कूल था बूता बाद में आए बहते स्कूल था जोश के साथ भुगते उदा वानगा बूता वो दूर में स्कूल था वनते ही आए हमारी हाजिरी देखता दूर यारा हाजिरी भी जाता आए बहते था जोश के साथ भुगते आरा साफ गवाह आई कर रहा साथ गवाह है जोश के तब पर भुगते जागे जूता बंद कुता आगे बंद देखने वो तो कुछ गवाह ये सुमा हुआ थे कि दे मतलब जने थे प्रोजेक्ट थे लाइफ में कुछ वड़ा कुछ हमारा वड़ा आज भी मेहरबानी का अदालत पाकिस्तान है तेरे प्रदेश का मान लगा मैं अब तार सालों ब्रिजे कारिया मैं चम्मा कमजोर हूँ भाई दे अदालत या की बूता अदालत का पेश बूते जा की जो है अदालत आ गया है सेवा इधा तकलीफ भी दाते अच्छी भी दाते मैं चम्मा दी मैं दिला ये के दे उधर मारे चम्मा लगें दा मैं दिला ये लेकिन दी मैं सक सेहत ला मैं गंजाला मैं हंचू अदाबा माँ से तोर बता बल्कि ये निजोर मर्द में बेटे को मैं निदार हजार कलदार बेटे में चार उत्तर तोर बता पा तमी हजार वाम कुता तो हूँ कि मैं उत्तर आगे वास्ता बारे में गापते चाह नहीं कभी नहीं माँ तुम तो ये दार मर्द में मशहूर कुता उस दिन आपको तो घूमा अंबरा भी प्यार भी ताकि माँ दिन में रवान नहीं ताकि तक कारे पशु शारी भी मर्द में माचा जब जोड़ के दार माचा उधर गिर रहा बुता तेरे मुना चंदस्ता गिता मैंने जान चाहते कमजोर है कम हालत में मर्द में माले ले वाला मैं कमजोर हूँ चम्मा ने मुझे मैं कमजोर में चम सब कमजोर मैं है ना कैसा रहा हूँ शापा मैं इच्छित हूँ लेकिन मैंने दस्ता गिरा आर्थिक चाहने का सारिश मुता चपंजूर है मैं चमुदा तुम पीड़ा का चपंजूर है बुवेरे ता के चुशिया मैं चमुदा गिर रहा ता के हत्या का सर भी थे बाइडेन सरकार सलामत है सरकारी मारुशा सलामत है पाकिस्तान है पाके नाम है इसराइल है भाई दें आप आग भी बेते में सब रहमत भी कहाँ ये गंजे चौक कहाँ ताल भी लाने ये शाना वाशन भी माता जाने हाल जान भी कपां पट्टा भी कपां ये तो लोग आता बंद गरीब के मर्दम मोहे मर्दम बोलते हैं बोले ये मजबूर है इतनी धागा नहीं मजबूर है आता कब तक ये केबरात जा रहे हैं केबरात चौक जा रहे हैं या के फेत जा रहे हैं वो लग चुके कि फिर शपा सूर का सोबा वाजे जूरी तुरो दारी थे साल आने जा दस साल जा रहे हैं पाँच साल जा रहे हैं बीस साल जा रहे हैं बल्कि हम जाके शपा खुश थे भले आगे बिगिन देते जाहिर भी देते आचार में दिल यकीन भी ये बोला कि सात साल अभी डाल थे आज आल भी रहने दो इधर दिले अरमान निश्चिता बात तो फिर दिले अरमान निश्चिता आगे खुश थे यार ये कि जिंदगी मोह दाहर उच्च की माह ये विश्रोच की बड़ा आखिर कर आई दिल यकीन भी तक के आ बच्चे तो चामा मुसीबत ताजी गिशी बाल दे सरकार हमें मेहरबानी अब तक के मैं जहाँ याला भी डालते मेरा स्कूल वाले के मर्दमा या के स्कूल आ रहा है नहीं थी तारीख आ रहा है चीज है बिशोर मान ले बीता चूंकि तो अच्छा मैं गिरेगा कि मैं जागा राजी रूच हम लेते कि पांच छह शुरू हो चाहिए सारी मेरी कस्टम राजी बीता गांड के ने बीता चार साले बीता शराब तो जूम लिया हुआ था इमोटा गिलियो के राम में जागा गिलियो बीता से के पौधे मचे बीता जिसे पौधे के राम बीते कैंपा में जागा रहा या क्या होता ये हलाज कुता हमें कहते हैं तो पर शादी आज देता बजा शुता भी तो पर देता आधे हलाज कुता अगर मैं जागा तो उससे भी मैं विद्युत में बाज देने क्या है कहें तो आना शुरू शादी आज दे बजा बोले आज देता बंद कुता अच्छे बंदा आगे तो मैं जाल में अभी तक आता आता बाकि मेरे बाल दिखा मैं जागा याला बुदाए दूसरा याला बुदाए दार्ची दिन दो के मर्द में हर शनि मकसद अनुसूचित
मैं इच्छी मिलूता अच्छा पाकिस्तान मैं पाकिस्तानी मर्दमा हत मा मैं पाकिस्तानी मर्दमा ना कि मध्य मुल्क के मर्दमा दरमिया में गलत मर्दमा की कहता मैं जिन दी हर्ची के दे मर्दों के नंदों के मर्दमा इशानी दूसरानी जिम्मेदार मानो दूसरानी हर्ची के दे मर्दों गा रहे ना ये इशानी मतलब से रोड में लूटा चाह पाकिस्तान बिजली न लूटा आठ में लूटा इच्छी न लूटा इच्छी पैक न लूटा मर्द मर इच्छी के कारण मैं सजे मर्द मर कारण इंशाल्लाह मैं दूसरे के कारण फुट में हमें जा रहे मर्द मां मैं दस्ता दिया हर चीज के मैं मर्द जा रहे मर्द में दस्ता दिया दस्ते में था अदालत तक इस चीज का चिकार रहे हो अदालत तक को मार सर चम्मा ने बाकी मैं जा रहा हूँ उधर बदारी तो जा रहे बेबाज मैं कम हरा देश दिलाई तक मैं चम्मा नहीं दिलेंगा सलाम अलैहिस्सलाम मैं 9 सालों से लापता नवीद बलोच की बहन हूँ। मेरे भाई नवीद बलोच को 15 अप्रैल 2015 को मुंगचर बाजार प्रिंस होटल के सामने से चश्मदीद गवाहों की मौजूदगी में 10 मुसल्ला अफराद जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा कर लापता करके ले गए। हमने मेरे भाई की बाजियाबी के लिए बहुत कोशिश की, हर जगह गए, हर दरवाजा खटखटाया, कहीं से इंसाफ नहीं मिला। आज मैं यहाँ मीलों का सफर तय करके अपने भाई के लिए आई हूँ, इसके लिए इंसाफ मांगने आई हूँ, उस भाई के लिए जिसे पाकिस्तानी रियासत कई सालों से कैद करके अपने पास उसने जबरदस्ती रखा हुआ है। मैं अपने भाई के लिए इंसाफ मांगने आई हूँ यहाँ, और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, मुजाहमत करते रहेंगे। अगर पाकिस्तानी रियासत चाहे तो वो हमें इंसाफ दिला सकती है, उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे सिर्फ ताकतवरों के लिए इंसाफ है, मजलूमों के लिए, कमज़ोरों के लिए और लाचारों के लिए कोई इंसाफ नहीं है। मेरे भाई ने जो कसूर किया है, अगर कोई जुर्म किया है उसने, अव्वल तो वो बेकसूर है, लेकिन अगर कोई गलती हुई है तो उसको अदालतों में पेश करें। अदालतें किस लिए मौजूद हैं यहाँ पर? अगर आपकी अदालतों में इंसाफ नहीं मिल सकता तो फिर ये इमारतें क्यों खड़ी कर दी हैं आपने? इनको गिरा दें, इनको ख़त्म कर दें, अगर यहाँ से इंसाफ नहीं मिल सकता किसी को। मेरे भाई को बाजियाब किया जाए, मैं गुजारिश करती हूँ, मैं अपील करती हूँ कि मेरे भाई जहाँ भी है उसे तमाम, मेरे भाई समेत जितने भी लापता बलोच अफराद हैं उन सबको बाजियाब किया जाए। बहुत शुक्रिया। ये तस्वीरें जो इनके हाथ में है, ये तस्वीरें जो जमीन पे पड़ी है, ये महज तस्वीरें नहीं, ये इनकी वो जिंदगी के लम्हे हैं। ये वो जिंदगी के लम्हे हैं जहाँ जिंदगी इनकी कैद हो गई, जहाँ इनकी जिंदगी वही रुक गई, उनके प्यारे उनके बाद उनको देख नहीं सके, वो उनसे मिल नहीं सके, ये वही जिंदगी है इनकी, ये महज तस्वीरें नहीं है। अब मैं 9 साल से लापता अजीम दोस्त की अमशीरा से दरख्वास्त करती हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। मन गार बेगवाई अजीम दोस्त मोहम्मद गुआरम मन ब्रात सै जुलाइया 2005 दे ग्वादरा ची चेस्कन बिता आई अंगा चाले वाल नहीं मायदा अतकगा के मना इंसाफ रसी भले एदा मारा इंसाफ पे छोड़ा नरस नहीं मन अमी अपील कनक लूटा के मैं हर्च ब्राता गुनाई कुताया अदालत पेश बेकने चो जिंदा ना इंतहा बन मखने मारा अजियत मत गए। ये आपका ख्याल था कि आप इन लवाइकिन को डराएंगे, उनको रोकेंगे और ये रुक जाएंगे, लेकिन आपको ये नहीं अंदाजा कि इनका दर्द कितना गहरा है, इनकी तकलीफें कितनी पुरानी है। आप कहते हैं कि जो 10 साल से 15 सालों से लापता है रियासत उनका जिम्मेदार नहीं है, उन्हें बाजियाब नहीं कर सकती, वो ये अहलियत ही नहीं रखता कि उन्हें बाजियाब कर सके। आपका क्या ख्याल है कि ये अपने प्यारों को भूल जाएंगे? क्या ये बेटियां अपने बाप को भूल जाएंगे? क्या ये बेटे अपने बाप के बाप को भूल जाएंगे? क्या ये माएँ अपने बेटों को भूल सकती है? आप उठा के उन्हें कहीं पर भी फेंक देते हैं, आप भूल जाते हैं, लेकिन ये इनके अपने हैं, ये कभी उस दर्द को नहीं भूल सकते। बेशक आपने अगर ये दर्द नहीं देखे, लेकिन इन्होंने वो दर्द देखे हैं, तो आपके ये डराओ और धमकाओं की पॉलिसियां इन्हें डरा नहीं सकती, क्योंकि आप इन्हें पहले ही बहुत से तकलीफें और दर्द दे चुके हैं। इनकी जिंदगी में इस दर्द के सिवा और कुछ भी नहीं, और यही सबूत है कि यहाँ बैठे फैमिलीज के अलावा भी बलोचिस्तान से वो फैमिलीज और भी आ रही है यहाँ पे, वो अपना दर्द आप सबको सुनाने, आप सबको बताने कि कितने
कितने अरसे से वो इस दर्द में मुब्तला है, कितने लोग बाखबर है और कितने लोग इससे बेखबर है।